शिमला के प्रसिद्ध जाखू हनुमान मंदिर में मई महीने के ज्येष्ठ रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह से ही मंदिर में दर्शनों के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगी रही। लंबी लाइनों में लोग हनुमान दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हनुमान सेवा समिति शिमला और कई निजी संस्थाओं की ओर से खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों में जलेबी, चाट, पापड़ी, गोलगप्पे और आइसक्रीम प्रसाद के रूप में लोगों को बांटी गई। मंदिर के प्रबंधक मदन शर्मा ने बताया कि ये आयोजन पिछले 29 सालों से हनुमान सेवा समिति के सहयोग से किया जा रहा है। अभी से नहीं लग रहा, ये बहुत पहले से लग रहा है और लगभग मेरे ख्याल 30 सालों से लग रहा है। मुझे भी 19 साल यहाँ पे एज ए मैनेजर काम करते हो गए और 19 सालों से मैं भी इस भंडारे को देख रहा हूँ, लेकिन कोरोना काल में दो बार ही रुक गया। वार्षिक भंडारा होता है, जितना बाजार है हमारा, ये सारे डिवोटी लोग हैं और ये सब प्रावधान करते हैं इसका। ये पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया चला हुआ है, जिसमें हर वर्ष भारी तादाद में पूरे देश से श्रद्धालु पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं हनुमान सेवा समिति के सदस्य सतीश शर्मा ने बताया कि समिति हर साल मई में ज्येष्ठ रविवार को भंडारे का आयोजन करती है। इस बार ये 29वां विशाल भंडारा था, जिसमें भंडारे के साथ साथ खाने पीने के स्टॉल भी लगे थे। 51 किलो रोट, 1 क्विंटल हलवा और 1 क्विंटल पूड़े का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। पर्यटकों के साथ ही शिमला के लोगों ने भंडारा ग्रहण किया। मंदिर में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस भी तैनात थी। मई में सेकंड वीक में पिछले 29 साल से ये भंडारा चल रहा है। ये हमारी एक छोटी सी सभा समिति है, जाखू हनुमान सेवा समिति। इसमें इस सभा समिति में ना तो कोई प्रधान है, ना कोई कैशियर है, ये सब कार्य प्रभु की सेवा के लिए ही चलता है। पिछले 29 साल से ये कार्य चल रहा है। आज जो ये भंडारा, विशाल भंडारा लगाया गया, ज्येष्ठ मास में ये लगाया जाता है और इसमें विभिन्न किस्म के स्टॉल लगाए गए हैं, आइसक्रीम, चाट, पापड़ी, गोलगप्पे, नूडल्स, बच्चों के लिए कैंडी, सब तरह का है। और सुबह इसमें आज के दिन में सुबह रूटीन में जो है पूजा अर्चना की गई है, उसके बाद हवन हुआ है, हवन के बाद ध्वजारोहण किया गया, ध्वजारोहण के उपरांत भंडारे का शुभारंभ किया गया है और सारे स्टॉल शुरू किए गए हैं। पिछले 29 साल से ये सेवा सब लोग शिमला के पब्लिक मिलके कर रही है। सभी को हनुमान जी का आशीर्वाद है, सभी के लिए धन्यवाद है। जो लोग आते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी को प्रसाद भी इस बारी भी चढ़ाया गया, जैसे हर वर्ष चढ़ाया जाता है, इस साल भी 51 किलो का ये प्रसाद जो है रोट का चढ़ाया गया है और 100 किलो हलवा बना है और 1 क्विंटल के पूड़े बनाए गए हैं हनुमान जी के लिए, जो स्पेशल ये भोग बनाया गया और सभी में वितरित किया जा रहा है। देख के हर्षोल्लाहित है कि हमने ऐसा भंडारा कहीं पर भी नहीं देखा है जैसा भंडारा आज शिमला में देखने को मिल रहा है। लगभग दिल्ली से, बॉम्बे से, गुजरात से, भिन्न भिन्न जगहों से पर्यटक आ रहे हैं, जो बहुत प्रसन्नचित हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी शादी में आए होते हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं वो लोग। और हनुमान जी की कृपा सभी पे बनी रहे, हम तो ये कामना करते हैं और सब तंदुरुस्त रहे। जिस पुलिस वाले लगाए गए हैं, पुलिस छोटा शिमला पुलिस की तरफ से जिनके एरिया आता है और पूर्ण रूप से सुचारू व्यवस्था है, सब लोग लाइनों में प्रसाद ले रहे हैं, लाइन में खड़के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, सब चीज व्यवस्था के अनुसार चल रही है। शिमला से N1 लाइव के लिए योगराज शर्मा की रिपोर्ट।